In the previous video, we have seen what are the observation takes place in a chemical reactions. तो पिछली वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में कौन कौन सा चेंजिंग आती है, उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कौन सा स्टेप्स एडॉप्ट करते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जेडेन प्लस H2SO4 Zn plus H2SO4, so it makes ZnSO4 plus H2. ये केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में बहुत सारा ड्रॉबैक्स है। ऐसा लिखने से बहुत चीजों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। खासकर देखते हैं कि फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि देयर आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, 9th क्लास में पढ़ा था ना। लेकिन इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि जिंक है, H2SO4 है, जेडन सल्फेट जो प्रोडक्ट बन रहा है, H2 जो बन रहा है, इसका फिजिकल स्टेट है, कौन इसमें सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को बताने के लिए उसके जस्ट स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं किसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो पहला देखिए कि यदि सॉलिड जो सब्सटेंस है, सॉलिड के लिए स्मॉल s लिखेंगे, लिक्विड के लिए l दे देते हैं, इक्वस मीडियम है इसके लिए aq लिख देते हैं। यदि लाइटर गैस बनती है तो उसके हम लोग एरो से दिखलाते हैं अपर डायरेक्शंस में। यदि कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लिखते हैं। रिएक्शंस कंडीशंस may be shown by writing above or below of the sign placed between reactant या product। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में दिखलाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में साइन होता है, वह साइन एरो का साइन हो सकता है, इक्वल टू साइन हो सकता है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो सकता है। तो रिएक्शंस कंडीशंस को एरो के ऊपर लिखते हैं या इसके नीचे लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन्स कंबाइंस विथ नाइट्रोजन्स टू फॉर्म अमोनिया बनाता है। तो इसके लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए। सर्टेन कंडीशंस क्या है, तो इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें Fe है जो कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है। आज इसका जो ऑप्टिमम कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस है, वो वह लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है। तो इसके रिएक्शन कंडीशंस को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो साइन है या इसके ऊपर या नीचे रखकर दिखलाते हैं। सो दिस इज द स्टेप्स फॉर मेक द केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव्स। अब यहाँ पर देखे, अब इसी रिएक्शन को यदि हम इस तरह से लिख दें तब क्या होगा। जैसे इसके रिएक्शन कंडीशन सॉलिड है तो जिंक जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसके लिए जेड जेड एन का से आगे
स्मॉल ब्रैकेट में इस प्रकार करते हैं, नाउ इट सो दैट जिंक अकर्स इन द सॉलिड स्टेट। और जो H2SO4 है इसका है जो इक्वस फेज है, जिंक सल्फेट है, ZnSO4 ये आपका है जो ये भी है जो इक्वस फेज में होगा। अब हाइड्रोजन जो गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट है, लाइटर गैस है, इसलिए इसे अपर डायरेक्शन में लिखते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स टू मेक द केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। सॉलिड के लिए स्मॉल एस, लिक्विड के लिए एल इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वस फेज है, वाटर में यदि सोल्यूशन बना हुआ है तो इसके लिए एक्यू का इस्तेमाल करते हैं, लाइटर गैस है, अपर डायरेक्शन में दिखाएंगे, प्रिसिपिटेट बन रहा है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। और यदि रिएक्शन कंडीशंस को यदि शो करना है कि किस कंडीशंस में केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच को जो साइन है उसके ऊपर या नीचे जो कंडीशंस है उसको लिख देते हैं, तो इससे रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे देखें, जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम नाम सुना है, सोडियम वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अरे केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो पानी में आग लगा देता है। जैसे सोडियम, सोडियम को पानी में डाल दो तो वह क्या होता है, बहुत है जो डिस्को डांस करते हुए इसमें से आग की चिंगारी लेते हुए, आग की चिंगारी छोड़ते हुए रिएक्शंस करता है। यदि सोडियम को यदि हम वाटर में रखते हैं, सोडियम प्लस H2O, तो ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, NaOH बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इससे पता नहीं चलता है कि कौन है जो सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन इक्वस मीडियम में है, इससे पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसी रिएक्शंस को हम लोग यदि Na के आगे एस लिख देते हैं, क्या बता रहा है, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, H2 क्या हो गया, H2 तुम्हारा आपका लिक्विड हो गया, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वस मीडियम में चला जाता है, पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको AQ कहेंगे, प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन है जो लाइटर गैस बन रही है, गैस फॉर्म में है, तो इसको एरो लिख देते हैं। अनदर एग्जांपल, जैसे इससे पता चल गया किसका फिजिकल स्टेट है। अनदर कंडीशंस क्या देखते हैं, इसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड का इक्वस सोल्यूशन से NaCl प्लस इसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल रहे हैं, ती है जो AgCl का है जो प्रिसिपिटेट देता है, प्लस सोडियम नाइट्रेट देता है, NaNO3 बनता है। इससे भी पता नहीं चल रहा है, ये मोर इन्फॉर्मेटिव रिएक्शंस नहीं है। इसके लिए इसका मोर इन्फॉर्मेटिव करने के लिए क्या करेंगे कि NaCl का इक्वल सॉल्यूशंस है प्लस AgNO3 इसका भी इक्वल सॉल्यूशंस है, और जो AgCl का है जो कर्डी हाई प्रिसिपिटेट बन रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, और इसको एरो कर देते हैं, माने कि इसका प्रिसिपिटेशन हो रहा है, प्लस NaNO3 इक्वस फेज में है। सो दिस इज द स्टेप्स टू मेक द केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। आफ्टरवर्ड्स हाउ, अब यहां पर देखो ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, इसके पहले रिएक्शन दिया था Zn plus H2SO4, तो ये बना देता है Zn sulfate plus H2O। अब यहां पर देखिए जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का चार एटम है। यहां भी देख रहे हो जिंक का एक एटम है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का चार एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम है। जिंक जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर सल्फर का बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने जो लेफ्ट हैंड साइड का एटम है वह राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल है, तो ये ऑलरेडी इसको कहते हैं बैलेंस रिएक्शंस। और यहां पर देख रहे हैं, इसमें देखें Na+H2 में यदि देखते हैं इसमें क्या देख रहे हैं, सोडियम का एक एटम्स, हाइड्रोजन का देखिए इसके दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम्स है, सोडियम का इसमें देखो वन एटम, ऑक्सीजन का वन एटम, हाइड्रोजन का देख रहे हैं कि 2+1+2 मिलकर 3 एटम्स आ रहे हैं,
यानी कि दोनों साइड में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो इस तरह के रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर क्या कहेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन कहेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन हो गया तो एरो को हटाकर यहां पर इक्वल टू साइन पुट कर सकते हैं, इट मींस दिस शोइंग बैलेंस रिएक्शंस एंड एरो साइन शोइंग अनबैलेंस रिएक्शंस। अब इसके बाद प्रश्न होता है कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किस तरह से करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड एडॉप्ट करते हैं, how to balance the chemical reactions. So now let us see balancing of chemical reactions. Chemical reactions को balance करने के लिए different methods हैं। पहला method हम लोग देखें, this is called heats and trial methods. Heats and trial methods. Second जो method होता है partial fractions methods. जो third method होता है उसको कहते हैं oxidation methods. और जो फोर्थ मेथड होगा दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। ये खास करें जो डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मीडियम हो सकता है एसिडिक हो सकता है, बेसिक मीडियम हो सकता है और न्यूट्रल मीडियम हो सकता है। तो यहां पर ये जो बातें हैं जो हायर क्लासेस खासकर 11th क्लास में हम लोग देखेंगे, और लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड इज वेरी वेरी कॉमन मेथड सो योर फॉर योर स्टैंडर्ड हीट एंड ट्रायल मेथड इज वेरी वेरी यूजफुल। सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड्स। सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट मेथड्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स Fe सॉलिड है प्लस H2O लिक्विड्स, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इट फॉर्म्स फेरसोफेरिक ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कर सकते हैं Fe3O4 प्लस H2O। अब इसी को बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से। एक चीज ध्यान रखना होगा इसमें कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इसमें किसी तरह से चेंज नहीं करना है किसी भी हालत में। जैसे मान लो कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर है जो यहाँ चार है तो O4 लिखना बहुत बड़ी गलती होगी, पूरा है जो रिएक्शंस का है जो ये क्या हो जाएगा, ब्लंडर हो जाए, ब्लंडर इसको बोलेंगे, मिस्टेक नहीं करके ब्लंडर, भारी गलती को ब्लंडर बोलते हैं। तो जो केमिकल जो फॉर्मूला है इसमें किसी तरह की चेंज नहीं करनी है, करना क्या है कि अपने सोच विकार के अपने दिमाग को अप्लाई करते हुए ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है इसके आगे है जो कोई डिजिट ऐसा डिजिट लिखें कि ताकि दोनों साइड के जो एटम्स है जो इक्वल हो जाए, यही है जो मेन है जो पर्पस होता है कि अपने मन से सोच कर विचार करके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलाज हैं इसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट इस तरह से लिखें ताकि दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाता है, तो उस तरह के रिएक्शंस बैलेंस रिएक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सिंपल रिएक्शंस, ये आपका क्या है रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ Fe है, फेरस का आइटम है, दूसरा देख रहे हैं हाइड्रोजन का आइटम है लेफ्ट साइड्स में, LHS ले लीजिए यहाँ पर LHS, इधर है जो प्रोडक्ट को हम लोग RHS ले लेते हैं, दोनों को इक्वल सर्व कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाना चाहिए। तो Fe का वन आइटम देख रहे हैं, हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर दो आइटम है, ऑक्सीजन का एक आइटम है,
सिमिलरली यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में Fe3 लिखा हुआ है, इसमें फेरस का 3 आइटम है। ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का 2 आइटम्स है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 आइटम्स है। 1, 2, 1 यहाँ पर 3, 2, 4 है। दोनों साइड्स में नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल नहीं है, तो यह अनबैलेंस रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अब Fe3 है, राइट हैंड साइड में है जो 3 आयरन का आइटम्स है, इसको यदि 3 लाने के लिए जो 3 से मल्टीप्लाई कर 3 करते हैं, तो जो 3 है वह कहाँ पुट करना होगा? यह है जो आयरन के आगे पुट करना होगा। तो यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर है जो ये भी अब 3 3 ये आपका बैलेंस हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में 4 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही एटम है। तो इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह 4 होता है। तब 4 कहाँ लिखाएगा? ये 4 है जो यहाँ पर H2O के आगे लिखाएगा, 4H2O। ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन में है जो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 8 हो गया, 4 2 8। अब यहां पर है जो हाइड्रोजन का 2 ही एटम्स है, तब इसको है जो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 4H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो रहा है, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 1 एटम था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, और राइट साइड में ऑलरेडी 4 है। अब ऐसा करने से क्या होगा? 3 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, पर 4 पुट कर दिया, तो Fe का है जो 3 एटम्स बराबर हो रहा है। Fe का इधर भी देखिए 3 एटम्स बराबर आ रहा है। हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड में 4 2 8 एटम्स आ रहा है, एंड 4 2 8 ये भी है जो क्या देख रहे हैं, राइट साइड में बराबर आ रहा है। ऑक्सीजन का 4 देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 हो गया, एंड 4 ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी था। तो इस तरह से जो रिएक्शन से बन गया 3 Fe+4H2O लिक्विड्स, दिस वन इज इक्वल टू Fe3O4, दिस वन इज ऑल्सो सॉलिड प्लस 4H2 गैस। सो दिस वन इज बैलेंस रिएक्शन। तो यह है जो बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का कितने आइटम्स हैं, राइट हैंड साइड का कितना आइटम्स है, और इस तरह से एक सूटेबल नंबर को है जो दिमाग में है जो सिलेक्ट कीजिए और उसको पुट कर ऐसा मेथड को एडॉप्ट करने से, ये प्रोसेस को एडॉप्ट करने से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। So in the next video, we shall discuss about more practice about the balancing of the chemical reactions. Also try to balance these reactions. आप ऐसा रिएक्शन करके आप WhatsApp पर भेज सकते हैं, जैसे Cu है प्लस HNO3 है, ये है जो बना रहा है कॉपर नाइट्रेट दे रहा है, CuNO3 का होल ट्वाइस दे रहा है, प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, प्लस H2 बन रहा है। सो दिस इज द होमवर्क, ये आपको बैलेंस करके मेरे व्हाट्सएप पर।